तो अभी आपका नाम क्या है? तबस्सुम। तो अभी कौन सा बैच लिया आपने? लीडर है, MLW1। तो लैंडमार्क सिटी का माहौल आपको कैसा लग रहा है? अच्छा ही है, थोड़ा न्यू है तो एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लग रहा है, बट हाँ इट्स ओके, सब अच्छा है। बहुत अच्छा है। अगर आप कभी भी मतलब आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप तुरंत जाके डाउट पूछ सकते हो। एवरी टाइम दे आर अवेलेबल, हमेशा हेल्प करने में आगे रहते हैं, और पढ़ाने का वे बहुत अच्छा रहता है उनका। और कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट अगर उनके पास जाके पूछता है, वो एट द सेम टाइम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं। तनु चौधरी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज अभी हम हैं लैंडमार्क सिटी में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि गर्ल्स हॉस्टल वर्सेस पीजी का टूर कराओ। तो अभी हम हैं एक ऐसे हॉस्टल के सामने, यहाँ पे हॉस्टल भी है ये और ये पीजी भी है। मतलब जो भी बच्चे का अगर रिक्वायरमेंट उसका पीजी का है तो पीजी करवा सकता है, अगर उसको हॉस्टल का जरूरत है वो हॉस्टल भी करवा सकता है। मतलब हॉस्टल और पीजी में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, बस डिफरेंस इतना ही होता है कि पीजी लेने में उसके पास फ्रीडम होता है कि वो खाना कहीं से भी ले सकता है, और हॉस्टल लेने पर क्या होता है कि वो हॉस्टल वाले ही खाना प्रोवाइड करते हैं, बट कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। अभी हम चलते हैं हॉस्टल के अंदर, ऑनर से बात करते हैं, उनसे पूरा जो इनका यहाँ का मैनेजमेंट है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, और कुछ बच्चे हैं उनसे भी बात करते हैं। और चलिए एक बार पहले मैं आपको बाहर से इस हॉस्टल का टूर दे देता हूँ, फिर चलते हैं अंदर। तो गाइस ये हैं हॉस्टल के अंदर, इनसे हम पूछते हैं यहाँ के जो मैनेजिंग स्टाफ है, यहाँ पे जो बच्चे रह रहे हैं उनकी सेफ्टी को लेकर कितना कंसर्न है, और यहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनका रिकॉर्ड वगैरह से रिलेटेड अपन पूछते हैं। ये हैं ऑनर हॉस्टल के, आपका नाम बताइए। मेरा नाम संध्या पाराशर है, मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ जी। और ये हॉस्टल कहाँ पे है? ये चंबल डेयरी कमला उद्यान प्लॉट नंबर 122 जी, ध्रुव रेजिडेंसी जी जी। तो अभी जो बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं या बच्चे जो आने वाले हैं, मतलब उनकी सेफ्टी को लेके आप कितना कंसर्न है? मैं उनकी सेफ्टी के लिए बच्चों के लिए काफ़ी एक्सरसाइज रखती हूँ, और बच्चों को एकदम सेफ्टी से रखती हूँ। मैं खुद 24 आवर्स में यहाँ रहती हूँ, कुछ पेरेंट्स भी आए हुए हैं, वो भी सेफ्टी को लेके काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। बिल्कुल है, और वो बोलते हैं कि आप मैम या खुद 24 आवर्स रहते हैं, तो मैं किचन में भी मैं खुद देख रेख करती हूँ, मेरे आंखों के सामने यहाँ खाना बनता है। और वार्डन मैम भी रहती है, वो 12 घंटे के लिए हैं, 24 में रहती हूँ। बच्चा अगर बीमार भी हो जाता तो उसको हॉस्पिटल भी मैं ही खुद ले जाती हूँ, और ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम है तो एक बार हम पेरेंट्स से भी हम सलाह ले लेते हैं, बाकी दिखाना करना सब मेरे अंडर में रहता है। वार्डन को भी भेजती हूँ, मैं खुद भी जाती हूँ साथ में जी। तो कैमरा भी लगा हुआ है जी जी। अगर मान लीजिए कोई बच्चे का कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, एंट्रेंस और उसका एग्जिट का क्या रिकॉर्ड रहता है? उसका रिकॉर्ड हमारे वार्डन मैम के पास रहता है, सारी रिपोर्ट मेरे पास डेली आती है, मैं पेरेंट्स को भी रिपोर्ट भेजती हूँ, आपका बेटा या बेटी इस टाइम पे जा रहा है, इस टाइम से आ रहा है, सारी सेफ्टी के साथ जी। तो गाइज ये था इस हॉस्टल के मैनेजिंग के मतलब मैनेजिंग का जो रिलेटेड जानकारी था ये था। और अभी हम चलते हैं ऊपर, कुछ बच्चे से बात करते हैं और इस हॉस्टल का रिव्यू लेते हैं, उनको कैसा लगा ये हॉस्टल। और चलिए तो गाइस अभी ये है कुछ गर्ल्स हॉस्टल का रूम, और इस पर हम सरप्राइज विजिट करते हैं। हाँ जाओ, ये खुला ही है, तो आइए हम अंदर आके चल के देखते हैं। आ जाओ भैया। तो अभी आपका नाम क्या है? तबस्सुम। तो अभी कौन सा बैच लिया आपने? लीडर है, MLW1। तो लैंडमार्क सिटी का माहौल आपको कैसा लग रहा है? अच्छा ही है, थोड़ा न्यू है तो एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लग रहा है, बट हाँ इट्स ओके, सब अच्छा है। बहुत अच्छा है। अगर आप कभी भी मतलब आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप तुरंत जाके डाउट पूछ सकते हो। एवरी टाइम दे आर अवेलेबल, हमेशा हेल्प करने में आगे रहते हैं, और पढ़ाने का वे बहुत अच्छा रहता है उनका। और कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट अगर उनके पास जाके पूछता है, वो एट द सेम टाइम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं। और आपका नाम क्या है? तनु चौधरी। और आपको लैंडमार्क सिटी में आके कैसा लगा? अच्छा लगा बहुत। ये आंटी का तो हम लोग का हॉस्टल बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया, वरना सब जगह प्राइस भी बहुत हाई है, और ये क्वालिटी फूड भी प्रोवाइड करती है। वरना कितने लोग हम लोग के ये फ्रेंड्स लोग बोलते हैं घर के, ये अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं मिलता है,
यहाँ पे सब अच्छा मिलता है। और अभी आपने कौन सा बैच लिया? अचीवर में। तो वहाँ पे एलएम में जब आप गए होंगे, टीचर से इंटरेक्ट किए होंगे, टीचर की बिहेवियर आपको कैसा? टीचर का बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाते, सब समझ में आ जाता है। और डाउट भी पूछने पे फटाक से, ऐसे डीले नहीं करते, वो जल्दी डाउट बताते, बहुत अच्छे। अगर स्कूल के कम्पेयर में देखें और इस यहाँ के टीचर के कम्पेयर करें तो कौन सा बेस्ट आपको लगा? यहाँ का ज्यादा अच्छा है। तो आइए कुछ और स्टूडेंट से पूछते हैं। आपका नाम क्या है? जयश्री। अभी आपको कितना दिन हो गया लैंडमार्क सिटी में? अभी मुझे 15 दिन हुए हैं। आपको लैंडमार्क सिटी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मैं तो मतलब दूसरी बार आई हूँ यहाँ पे, मतलब 11th मैंने यहीं पे किया है, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। यहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा है और टीचर्स तो अच्छे हैं ही। ये हॉस्टल का मैनेजमेंट और हॉस्टल का जो स्टाफ का बिहेवियर आपको कैसा लगा? अच्छा है, मतलब मैं तो मेरे लहसुन प्याज कहीं खाती हूँ, तो मेरी अलग से आंटी मैनेज भी कर देती हैं, तो मुझे तो अभी सही लग रहा है यहाँ पे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लैंडमार्क सिटी में, ये समय से तो पास में है, लेकिन बहुत सारे बच्चे उधर भी लेते हैं लैंडमार्क सिटी के अंदर, तो आपने इसी हॉस्टल को ही क्यों चूज किया? वो मैं आंटी को पहले से जानती भी थी, मैं उनके हॉस्टल में, मतलब लास्ट उन्हीं के हॉस्टल में थी, तो मुझे पता था इनके बारे में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया। अभी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। और आपका नाम क्या है? शाहीन। और आपको लैंडमार्क सिटी में आके कैसा लगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पे, बट बहुत बढ़िया है यहाँ पे, मतलब पढ़ाई वाला बहुत ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट है। और बाकी आप एलएन में जाओ तो वहाँ पे तो कोई चीज़ की कमी नहीं है। और जैसे मेरा क्या था, केमिस्ट्री मेरा था थोड़ा वीक था, लेकिन यहाँ पे ऐसे टीचर्स हैं कि आपका डाउट से लेके कंसेप्ट सारा क्लियर करते हैं, बहुत बढ़िया है यहाँ पे। एलएन के टीचर का आपको बिहेवियर कैसा लगा? बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा। अभी क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या कि लैंडमार्क सिटी में उधर हॉस्टल लेते हैं, लेकिन आपने इसी हॉस्टल में? इस हॉस्टल में मैंने इसलिए लिया कि मेरे को ये सही लगा और आंटी का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, बाकी खाने का भी दिक्कत नहीं होता है यहाँ पे, बहुत अच्छा बनाती हैं और प्राइस भी बहुत बढ़िया है। जैसे हम दोनों सिस्टर हैं तो हम लोग को साथ में रहना है, तो हम लोग के लिए भी तो प्राइस तो बहुत ज्यादा इधर उधर था, लेकिन यहाँ आए तो अच्छा प्राइस में रूम भी अच्छा मिला। आपको अफोर्डेबल लगा? हाँ हाँ, मतलब बहुत। और जो भी बच्चे आने वाले हैं उनको आप क्या सजेस्ट करोगे इस हॉस्टल को? ऑब्वियसली मतलब हम लोग तो यही बोलेंगे कि आके यहीं रहो, सब कुछ बढ़िया। और बाकी जैसे और जगह, मतलब मैं या फिर वार्डन आंटी सब अच्छी नहीं रहती, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया और आंटी तो बहुत ज्यादा अच्छे से बिहेव करती है और बहुत फ्रेंडली है। हाँ तो आंटी के साथ गई थी और बाकी मतलब सारा हम लोग का हेल्प करती है आंटी, जो भी है कोई भी एट द सेम टाइम अगर प्रॉब्लम होता है तो आंटी, अगर हम लोग बाहर जाते हैं लेट हो जाता है तो आंटी कॉल करती, फिर बोलती है, मतलब पूछती है कि आप लोग कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, सब केयर है सब। थैंक यू। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं इस हॉस्टल के कुछ स्टूडेंट उनके रूम के अंदर और इनसे जानते हैं हॉस्टल से रिलेटेड, मतलब इनको हॉस्टल कैसा लगा। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुस्कान पैकरा है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। तो आपको इस हॉस्टल, आपको हॉस्टल कैसा लगा? मुझे ये हॉस्टल मतलब एज अ घर फील होता है मुझे, और सबसे अच्छी जो चीज़ है यहाँ की वो मैस है, क्योंकि क्या होता है कि मैम भी 24 आवर्स यहीं रहती हैं, तो फिर जो भी खाना, जो नाश्ता, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, वॉट एवर, तो जो हम लोग खाते हैं वही मैम भी खाती है, दैट इज़ अ बेस्ट थिंग आई फील। और अभी आप एलएन में लिए होगे? हाँ हाँ, एलएन में। मेरा अभी अचीवर बैच है। तो अभी आप यहाँ लैंडमार्क सिटी का माहौल कैसा लग रहा है? थोड़ा सा न्यू है बट एडजस्ट करने में मतलब अच्छा ही लग रहा है, कुछ न्यू एनवायरनमेंट में ऐसे करना। और एलएन की टीचर का बिहेवियर कैसा लगा आपको? अच्छा ही लगा, मतलब एकदम फ्रैंकली है, मतलब कुछ भी डाउट हो तो वी कैन क्लियर। हाँ तो फिर मतलब सर से डाउट पूछने में कोई दिक्कत नहीं? नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, एवरी टाइम वी कैन आस्क। और आपको नाम? मेरा नाम स्वाति सिंह है, मैं यूपी से हूँ। आपको इस हॉस्टल में आपको कैसा लगा? मेरे को ये हॉस्टल बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे 24 आवर्स मैम भी रहती हैं, कोई भी दिक्कत हो तो हम उनसे शेयर कर सकते हैं, और बाकी मतलब ब्रेकफास्ट एंड खाना वाना सब अच्छा मिलता है। और लैंडमार्क सिटी का माहौल कैसा? लैंडमार्क सिटी का माहौल बहुत अच्छा है, मेरे को यहाँ अच्छा लगता है, बस अच्छे से स्टडी करो, सब कुछ मतलब अच्छा है और कोचिंग भी बहुत अच्छी है, सर लोग बहुत अच्छे हैं। और आपका नाम? अनुराधा सिंह है। आपको इस हॉस्टल में आके कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा है। और यहाँ के खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है? काफी अच्छी है, एकदम अच्छे से मिलता है सब चीज। और एलएन इंस्टीट्यूट के जो टीचर है उनका बिहेवियर आपको? उनका बहुत अच्छा है, मतलब सारे सर बहुत अच्छे से हैं, जो प्रॉब्लम हो एकदम डायरेक्टली आप पूछ सकते हो और बता भी सकते हैं, सब एकदम अच्छे से है। और आपका नाम?
मेरा नाम मंजली साहू है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। आपको ये हॉस्टल, जब आप हॉस्टल लिए, क्योंकि बहुत सारे हॉस्टल लैंडमार्क सिटी में है, और आपने इस हॉस्टल को ही क्यों चूज किया? जब मैं आई तो उसमें मैंने क्या किया, सिंपल सा रूम देखा पहले ना, तो रूम का जो एकोमोडेशन था उसका लाइन वाइज था, जिसकी स्टडी टेबल हो गया वो सब एकदम परफेक्ट था, और ऊपर से लाइट वाइटिंग का सेटिंग भी बहुत अच्छा था। और बाकी मैं अदर कोचिंग मतलब अदर हॉस्टल्स में देखने गई, वहाँ पे अलग फैसिलिटीज थी और अलग अलग चीज था, लेकिन मुझे ज्यादा बेस्ट ये लगा। तो मैं यहाँ पे आई हूँ, और खाना तो बेस्ट ही है यहाँ पे का। और यहाँ पे ऐसा है कि रूम में आप अंदर हो गए तो बाहर के साउंड्स नहीं आते हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं स्टडीज के लिए, और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है तो ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं स्टडीज के लिए। आपको एलेन कैरियर के इंस्टीट्यूट में आप गए होंगे, आपको टीचर से इंटरेक्ट हुई होगी, आपको यहाँ के टीचर का बिहेवियर कैसा लगा? एक्चुअली एज कम्पेयर टू स्कूल लाइफ के जो टीचर थे और कोचिंग के टीचर्स हैं, तो स्कूल लाइफ में जो टीचर्स रहते हैं वो क्या करते हैं कि बच्चों लोग को ऐसा पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं है कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि टीचर्स रहते हैं ना, आपको कोई डाउट रहता है तो डाउट के लिए तो अलग ही टीचर्स भी रहते हैं, साथ में 15 मिनट में रहता है जो आप ब्रेक में जाके सर से पूछ सकते हो, और सर एकदम पूरा प्लानिंग स्टार्टिंग से बताते हैं। कोई ऐसा नहीं कि तुमको नहीं आता, वो आपको गिल्टी फील नहीं करेंगे। स्कूल में क्या होता है, तुमको इतना नहीं आ रहा है, वो वाला टाइप का हो जाता है, ये होता है इसलिए। ये था कुछ स्टूडेंट का मतलब रिव्यू था, और लैंडमार्क सिटी से रिलेटेड हमने कुछ पूछा, टीचर के बिहेवियर पूछा, और अभी हम ये जो गर्ल्स रहती हैं इनके रूम का टूर दे देते हैं आपको। हाँ, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वट एवर द स्टडी मटेरियल दैट इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द एलेन इज कैप्ट ओवर हियर। ये जैसे कि बायोलॉजी की है, ये फिजिक्स की, केमिस्ट्री की है, तो इन्होंने बुक्स रखने के लिए रेक भी बहुत ही अच्छे दिए हैं। इट इज सफिशियंट फॉर ऑल द बुक टू कीप ओवर हियर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरे बुक रखे हैं, यहाँ पर पूरे मेरे नोट्स हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा बुक्स हैं जो कि नीट के क्वेश्चन के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए चाहिए रहते हैं। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बेड भी है, यहाँ पर स्टडी टेबल है, तो जब मैं चाहूँ तो स्टडी टेबल में भी पढ़ सकती हूँ। और क्या अच्छा सबसे चीज़ है कि जस्ट लाइट इसके ऊपर है, तो मुझे कोई भी यहाँ लाइट की प्रॉब्लम नहीं होती है, और लाइट 24 आवर अवेलेबल रहते हैं यहाँ पर। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चेयर भी प्रोवाइड हुआ है, और अलमीरा भी प्रोवाइड हुआ है, तो मैं अपने जो भी जो सामान है वहाँ रखती हूँ। और यहाँ पर ये मेरा बेड है, एसी भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो अभी गर्मी में चाहिए भी रहती है, और दैट इज़ अ अटैच लेथ बा। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us,